चलो चलो हमने बहुत ये सारी की सर लग रही है इसका तो सारी कोई नहीं सारा ही नहीं है जाएंगे ना अपने में चलो तीन नहीं तीन मैंने कोई छटता है ले जाएंगे अपना अरे भाई ये डिवाइडर से टकराने से अंबाला में NH1 पर एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें एक 28 वर्षीय इमरान अली की मृत्यु हो गई। यह हादसा किसी वाहन के टकराने से नहीं बल्कि आवारा पशुओं को बचाते हुए हुआ। इमरान और उसके साथ एक युवक अमरोहा से पंजाब की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में पशु आने से उनकी गाड़ी पलट गई और गंभीर हादसा हो गया। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि NH1 पर कार के सामने पशु आने से कार पलट गई थी और कार चालक की मृत्यु हो गई है और उसके साथ बैठा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही अंबाला पुलिस ने दोनों को सिविल अस्पताल पहुंचाया। चौकी इंचार्ज ने बताया कि गाड़ी अमरोहा से पंजाब की तरफ आ रही थी। मृतक इमरान अली पंजाब में ठेकेदारी का काम करता था। ये आज सुबह 3 बजे के लगभग हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गाड़ी है वो जंडली पुल के थोड़ा सा आगे अजीत रोड पर पलट गई। डायल 112 से हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो हमारी पुलिस मौके पर पहुंची। तो ये पाया कि इसमें दो लड़के थे, दोनों का नाम ही इमरान है और अमरोहा जिला से है यूपी से। इनमें से जो ड्राइवर था वो ठेकेदारी का काम करता है पंजाब में, तो यूपी नंबर गाड़ी है इसमें, उसमें सवार होकर चले थे। तो जैसे ही इन्होंने जंगली पुल पार किया है तो कोई अचानक इनका कहना है कि कोई आवारा पशु आगे आ गया और उसको बचाने के चक्कर में जो गाड़ी है वो डिवाइडर से टकराने के बाद पलट के दूसरी साइड में चली गई। तो इनको मौके से उठा के सिविल हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया था, जिसमें चालक को तो डॉक्टर साहब ने मृतक घोषित कर दिया और दूसरे को मामूली चोटें आई थी। लगभग 28-30 साल के थी उम्र। सर शादीशुदा थे इसमें जो मृतक है वो तो शादीशुदा है और जो इसके साथ बैठा था वो अभी अनमय। कहाँ से? ये अमरोहा से चले थे पंजाब के। क्या काम करते हैं? कोई प्राइवेट ठेकेदारी करते हैं। 74 की कार्रवाई करती है, 92 के दार पे वो कार्रवाई करके और मृतक की जो डेड बॉडी उसका पोस्टमार्टम करवा के वारसंघ के हवाले घर वालों को सूचित कर दिया। जी घर वाले पहुँच चुके हैं।